हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू आर चैनल। आज हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक जो आपकी है क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी, उसका लेसन फोर ह्यूमन सेटलमेंट्स के एमसीक्यूज करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये इनके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन वन, क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर ह्यूमन रेसाइड आर नोन एज, ऑप्शन ए ह्यूमन सेटलमेंट्स, बी सेटलमेंट्स, सी रेजिडेंट या डी नन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये ह्यूमन सेटलमेंट्स की डेफिनेशन भी है, यू कैन सी इन एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर ह्यूमंस रिसाइड, हेंस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन टू, स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर नोन एज, आपके ऑप्शन हैं ए अर्बन सेटलमेंट्स, बी विलेजेस, सी बोथ ए एंड बी या डी टाउन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विलेजेस। स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर नोन एज विलेजेस, हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन थ्री ऑन योर स्क्रीन्स, टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय, तो आपको इसमें फैक्टर्स बताने की जिससे जो सेटलमेंट होती है डिटरमाइन होती हैं। आपके ऑप्शन से ए बिल्ट अप एरिया, बी लोकेशन, सी इंटर हाउस डिस्टेंस या डी ए एन सी बोथ। तो ये आप सबको मालूम होगा, द आंसर इज ऑप्शन डी। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस, हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन फोर, रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन बी पुट इनटू हाउ मेनी टाइप्स, ऑप्शन ए थ्री, बी टू, सी फाइव या डी फोर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फोर। फोर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन इंडिया, नेमली क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड एंड डिस्पर्स्ड, हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन फाइव, विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ऑप्शन ए हेमलेटेड, बी डिस्पर्स्ड, सी सेमी क्लस्टर्ड या डी क्लस्टर्ड। तो एनसीईआरटी बुक में आप सबने पढ़ा होगा कि चार टाइप के हमारे पास सेटलमेंट्स हैं रूरल सेटलमेंट्स, उनमें क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड, डिस्पर्स्ड होती हैं। इनके भी और करके नाम दिए हुए हैं कि लाइक इनको दूसरे नाम से किन किन नाम से जाना जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी कि आप ये भी लर्न कर लीजिएगा कि उनके ऑप्शनल नेम्स क्या क्या हैं, जैसे और किस नाम से जाने जाते हैं। लाइक क्लस्टर्ड को एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड के नाम से भी जाना जाता है, और जो सेमी क्लस्टर्ड है उसे फ्रेगमेंटेड के नाम से जाना जाता है, और डिस्पर्स्ड को आइसोलेटेड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि कौन सी रूरल सेटलमेंट है जिसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर मैंने बता दिया, इट्स डी। क्लस्टर्ड सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप प्लीज उनके ऑप्शनल नेम जरूर लर्न कर लीजिएगा कि और किस नाम से वो जानी जाती है। क्वेश्चन सिक्स, यूनिवर्सल फीचर इन इंडिया इज, ऑप्शन ए डिस्पर्स विलेज, बी हेमलेटेड विलेज, सी कॉम्पैक्ट विलेज या डी नन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट विलेज। यूनिवर्सल फीचर इन इंडिया इज कॉम्पैक्ट विलेज, स्पेशली इन नॉर्दर्न प्लेन्स, हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, आपके ऑप्शन हैं ए फिजिकल फैक्टर्स, बी कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स, सी सिक्योरिटी फैक्टर्स या डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर यू ऑल माइट बी नोइंग, इट्स ऑप्शन डी। All the given options are factors which are responsible for different types of rural settlements, hence D is the correct option. Question 8, which settlement present geometric shapes like radial, linear? आपके option है clustered settlements, B hamlated settlements, C dispersed settlements या D fragmented settlements. The correct answer is option A. क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स जो होती हैं वो ज्योमेट्रिक शेप्स प्रेजेंट करती हैं, लाइक जो उनकी सेटलमेंट्स ऊपर से अगर आप उनका एक एरियल व्यू लें तो वो एक ज्योमेट्रिक शेप्स दिखाती हैं, लाइक लीनियर बनाएंगी या रेडियल, इस तरह के वो शेप्स बनाती हैं। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन 9, सिक्योरिटी फैक्टर इज अ रीजन फॉर कॉम्पैक्ट विलेजेस इन विच ऑफ दीज स्टेट्स, आपके ऑप्शन हैं ए असम, बी नागालैंड, सी मिजोरम या डी अरुणाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नागालैंड। Security factor is a reason for compact villages in Nagaland, hence B is the correct option. Question 10, which settlements are widespread in Gujarat plain? आपके options हैं A, clustered settlements, B, semi-clustered settlements, C, hamlated settlements या D, dispersed settlements. The correct answer is option B, semi-clustered settlements. सेमीक्लस्टर सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन गुजरात प्लेन। ये जो टॉपिक है इसमें आपको ये लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, सेमी क्लस्टर्ड कहाँ पाई जाती हैं और हेमलेटेड डिस्पर्स कहाँ पाई जाती हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पर कि सेमी क्लस्टर्ड गुजरात प्लेन में पाई जाती हैं, गुजरात प्लेन एंड राजस्थान। क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की बात करें तो दे आर फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो हेमलेटेड होती हैं दे आर फाउंड इन मिड एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं जो हेमलेटेड सेटलमेंट्स होती हैं आपकी। एंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स आर फाउंड इन एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Question 11. Which settlements are compact and larger in size engaged in non-agricultural functions? So I hope you all will tell me. Your options are A. Urban settlements, B. Clustered settlements, C. Dispersed settlements, or D. None. So the correct answer is option A. Urban settlements are compact and larger in size and engaged in non-agricultural functions, hence A is the correct option. Question 12. On the basis of evolution, Indian towns may be classified as option A, ancient towns, B, medieval towns, C, modern towns, or D, all of these. The correct answer is option D. On the basis of evolution, Indian towns may be classified as ancient, medieval, and modern. Hence, D is the correct option. और जितने ancient, medieval और modern towns हैं आप उनके examples भी अच्छे से learn कर लीजिएगा. जैसे आपके questions बन सकते हैं. मैंने एक दो रखे हैं इस MCQ की video में भी कि जो आपके बन सकते हैं. Like आपसे पूछा जा सकता है कि एक example देंगे आपको कि कौन से town का example है. तो आप please ऐसे questions के लिए prepare रहिए. Question 13. Which of the following are ancient towns? Like इस type के questions आपके बन सकते हैं, तो please आप examples ध्यान में रखिएगा. Ancient towns, medieval town, modern town और जो आपके functions के basis पे भी towns हैं, उनके आप examples जरूर ध्यान में रखिएगा. तो इस question में आपको बताना है कि इन given options में से कौन से ancient towns हैं? तो correct answer है option D. जितने भी तीन options हैं, मधुराई, प्रयाग, वाराणसी, these all three are ancient towns. Hence D is the correct option. Question 14. Medieval towns are option A, Delhi, B, Hyderabad, C, Jaipur, or D, all of these. The correct answer is option D, all of these. Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra and Nagpur are the examples of medieval towns. Hence, D is the correct option. देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो थे मैंने तो इसलिए बनाया था कि आपको आप सारे लर्न करें. बट ये ऐसे भी बन सकता था कि मेडिवल टाउन्स आपसे पूछा जाएगा उसमें आंसर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा. लाइक इसमें अगर दिया जाता कि एक टाउन आपको मेडिवल देता और बाकी दो एंशिएंट देता और डी ऑल ऑफ दीज होता, तो आपको ध्यान में रखना है कि मेडिवल टाउन कौन सा है. एंशिएंट और मेडिवल मॉडर्न आप प्लीज लर्न कर लीजिएगा कि कौन कौन से टाउन है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. Question 15. Town which developed after 1850 based on modern industries is. तो इस question की बात करी जाए तो ये पिछले सालों में काफी पूछा जा चुका है. Option A जमशेदपुर, B पणजी, C बेंगलुरु या D चेन्नई. So the correct answer is option A. जमशेदपुर is a town which developed after 1850. It is based on modern industries. Hence A is the correct option. Question 16. Urban centers with population of more than 1 lakh is called option A town, B city, C metropolis या D mega city. So the correct answer is option B, city. Urban centers with population of more than 1 lakh is called city or class 1 town. Hence B is the correct option. और अगर हम बात करें metropolis की तो जिन towns की या फिर जिन areas की जो population है वो 10 से 50 लाख के बीच में होती है वो आपके metropolis होते हैं. और जिनकी आपकी mega cities वो होती हैं जो जिसमें 50 लाख से ज़्यादा हो, ऐसे areas की population वो mega city में आते हैं. 10 से 50 लाख के बीच में metropolis में आते हैं और 1 lakh से ज़्यादा city में आते हैं. I hope it's. Question 17. Gandhinagar is an example of which type of towns? आपके options हैं A. Industrial towns, B. Transport cities, C. Commercial towns, or D. Administrative towns. The correct answer is option D. Gandhinagar is an example of administrative types of towns. Hence D is the correct option. ये जो functions के basis पे आपके towns दिए like tourist towns, commercial towns, industrial cities, ये सब भी आप एक बार इनके examples ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस type के question जैसे question 17 है ये पूछे जा सकते हैं. Question 18. Which of the following is an example of garrison cantonment towns? So garrison cantonment towns वो होते हैं जहाँ आपकी army station होती है या फिर army camps वगैरह होते हैं. आपको बताने की given options में से कौन सा है? Option A अंबाला, B जालंधर, C बबीना या D all of these. The correct answer is option D. All the given options are examples of garrison cantonment towns. Hence D is the correct option. Question 19. Which of the following is an example of commercial towns? Option A कोलकाता, B आगरा, C भोपाल या D all of these. So the correct answer is option A. Kolkata is an example of commercial towns, hence A is the correct option. Question 20. Which mission has been launched by the government to promote cities that provide core infrastructure and clean sustainable environment? Aapke options hai A. National Livelihood Mission, B. Pradhan Mantri Shahri Vikas Yojana, C. Smart Cities Mission, or D. National Mission for Urban India. The correct answer is option C. So Smart Cities Mission has been launched by the government to promote cities that provide core infrastructure and clean sustainable environment. Hence C is the correct option. ये आपको नई NCERT में ही मिलेगा ये concept जो है Smart Cities Mission का. और उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जो नए edition में हैं. तो please आप एक बार पुराने edition अगर आप पढ़ रहे हैं तो it would be better कि अगर आप नए edition से एक बार देख लें. कल मैंने एक post डाला था उसमें मैंने
एनसीईआरटी की साइट का लिंक डाला है जिसमें आप देख सकते हैं कि नए एडिशन में क्या क्या ऐड हुआ है. क्वेश्चन 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक. आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी पटना, सी भोपाल या डी कोलकाता. तो इसको द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. आगरा की अगर हम बात करें ऑप्शन ए, आगरा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, पटना ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, भोपाल किसी रिवर बैंक के में लोकेटेड नहीं है और कोलकाता है हुगली रिवर में. तो इस क्वेश्चन में भोपाल एक ऐसा ऑप्शन है विच इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक. क्वेश्चन 22, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स डज वन एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट्स. आपके ऑप्शन है ए एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा, बी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, सी लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज या डी फॉरेस्ट्स एंड हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट. तो अगर हम ऑप्शन ए एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा की बात करें तो यहाँ आपकी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स पाई जाती हैं, और अगर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान की बात करी जाए तो यहाँ पर सेमी क्लस्टर्ड, मैं SCC से डिनोट कर रहा हूँ सेमी क्लस्टर्ड, और लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज में आपकी हेमलेटेड सेटलमेंट्स पाई जाती हैं. सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इस हिसाब से करेक्ट होगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट एंड हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. जो PDF फाइल है इसकी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.